हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। इस PDF में मैं आपको इस वीडियो में पंजाब, झारखंड और उड़ीसा के राउंड टू का शेड्यूल बता रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहले पंजाब, और ये तीनों PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वैकेंसी पोजिशन जो डिस्प्ले होगी वो 15 तारीख को डिस्प्ले करी जाएगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सरेंडिंग ऑफ लोटेड सीट ड्यूरिंग राउंड वन विथ फ्री एग्जिट। अगर आप चाहते हैं कि राउंड वन की सीट आपको नहीं लेनी तो 28 तारीख तक आप फ्री एग्जिट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको राउंड वन की सीटें फाइनल मानी जाएगी। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू 27 तारीख तक आपको देनी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने विलिंगनेस सबमिट करी है सेकेंड राउंड की, उनकी 2 तारीख को आएगी। फिर च्वाइस फिलिंग 6 तारीख तक होगी। सीट अलॉटमेंट 9 तारीख को होगी। प्रोविजनल रिजल्ट 11 मार्च को डिक्लेयर करा जाएगा और 14 तारीख तक आप सबको कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। वो ऑल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस भरी है, जिनको राउंड वन में सीट मिली या नहीं मिली, जिन्होंने ज्वाइन की या नहीं की, जिन्होंने रिज़ाइन कर दी सीट, और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, सबको चांस मिलेगा। राइट, क्या करना पड़ेगा? तो ये फीस पे करनी पड़ेगी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पंजाब स्टेट की कंडीशंस हैं, वो आपको इस PDF में यहाँ क्लियरली दिख रही होंगी। इसके बाद झारखंड स्टेट की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। 15 तारीख को वैकेंट सीट मैट्रिक्स, यहाँ पर जैसे 15 को पंजाब में थी, 17 को जारी की जाएगी। 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशंस होंगी। डाटा 23 तारीख को रिकनसाइल किया जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट 26 तारीख को जारी की जाएगी। फाइनल रिवाइज स्टेट मेरिट 28 को। च्वाइस फिलिंग 2 तारीख तक, और सेकेंड राउंड अलॉटमेंट 5 मार्च को उड़ीसा में जारी करा जाएगा। और 11 मार्च तक, जैसे पंजाब में 14 मार्च तक ज्वाइन करना है, 11 मार्च तक कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल बाद में बताया जाएगा। तो ये यहाँ पर बात हो गई। राउंड टू में आपको दोबारा से, हमेशा हम जानते ही हैं कि राउंड टू के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने को, अगर ऑल इंडिया में कहीं सीट मिल गई है तो राउंड टू में स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिनको सीट नहीं मिली वही पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ तेलंगाना ने भी नोटिफिकेशन जारी करी है कि उनके यहाँ जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी 20 तारीख तक फ्रॉम 8 AM 16 टू 20 February तक अप्लाई कर देना है। एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों के लिए आप ये पूरा जो प्रोस्पेक्टस उन्होंने जारी किया वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड किया गया है, या वैसे भी PCMB डिजिटल गुरुकुल टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। सीट वगैरह की बात, फीस वगैरह की बात, सारी बातें इसमें करी गई हैं। थैंक यू, और इसी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग अस।